तो सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभंकर पाल, आप देख रहे हैं शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ जॉब न्यूज़। एसीसी कंपनी का आप नाम सुने होंगे, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोफेशनल एंड फ्रेशर दोनों के लिए ही रिक्रूटमेंट कर रहा है। आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर प्रोफेशनल हो। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप आपको करना होगा, किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, वो आप लोगों को मैं फुल डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक न्यूज़ दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कैसे बनाया जाता है, जिससे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना घर बैठ के, तो उसके लिए आई बटन में दिया हुआ वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपना हर एक फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी ये जॉब न्यूज़ जान पाए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, पहले कंपनी का प्रोफाइल देखिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ एसीसी इंडिया जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका वेबसाइट पे। इसके लिए आपको जस्ट गूगल ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र पे आपको यहीं पर लिखना है acciindia.com। दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको acciindia.com ब्राउज़र पे सर्च करना है, उसके बाद आपको ये वाला वेबसाइट मिल जाएगा। अभी आप लोगों को आप यहां पर कंपनी का प्रोफाइल के बारे में देख सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, सबसे मेन जो चीज़ हम लोगों को चाहिए वो एक कैरियर ऑप्शन, जो कि आपको थोड़ा स्क्रॉल करके ही नीचे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रोफेशनल एंड रिसेंट ग्रेजुएट दोनों के लिए ही जॉब रिक्रूटमेंट है, जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो अगर आप एक फ्रेशर हो, पहले मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा, उसके बाद में प्रोफेशनल लोगों के लिए भी बताऊंगा किस तरह से आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए रिसेंट ग्रेजुएट के ऊपर। तो मैं रिसेंट ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसीसी कंस्ट्रक्शन बहुत कॉलेजेस से डायरेक्टली कैंपसिंग करके भी रिक्रूटमेंट करता है। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्म आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म, जहाँ पर आपको नेम टाइप करना है, ईमेल टाइप करना है, आप डेजिग्नेशन दे दीजिए, आप क्या है, आप एक इंजीनियर है, किस ब्रांच से है वो आप दे दीजिए, फिर आपका मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, आपका एड्रेस आप दे सकते हैं, और आपको यहाँ पर चूज फाइल, मतलब कि यहाँ पर आपको सीवी दे देना है। आप पीडीएफ फाइल में जरूर दीजिएगा सीवी। उसके बाद आप कुछ चाहे तो इसमें मैसेज टाइप कर सकते हैं आपके बारे में। उसके बाद सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी भूल हो जाए या फिर कोई भी दिक्कत हो जाए तो आप रिसेट के ऊपर क्लिक करके भी फिर से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, इस एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, और आप चाहे तो contactus@acciindia.com पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। ओके दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो प्रोफेशनल से उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। आप चाहे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेशनल, इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक जाके भी वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, फिर से हम लोग आ चुके हैं, पहले जिस जगह पे थे वही जगह पे, प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, तो मैं आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप बहुत ही इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप एसीसी के बारे में देख सकते हैं। ओके, फिर से आपको यहीं पर टाइप कर देना है आपका नाम, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन दे देना है, मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, और यहाँ पर आप अपना सीवी दे दीजिए, और मैसेज जो है ना, यहाँ पर आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है और किस लाइन पे आपको एक्सपीरियंस है वो आप दे दीजिए। जैसे कि आप साइट इंजीनियर है, तो अगर मान लीजिए आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप अप्लाई, यहाँ पर आप लिख दीजिए आपको फोर ईयर्स एक्सपीरियंस है साइट इंजीनियरिंग पे, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है,
तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, जिससे उन लोगों को डायरेक्टली, जिससे रिक्रूटर डायरेक्टली देख पाए आपका डिजिग्नेशन क्या है। इससे क्या सुविधा होगा दोस्तों, जो आप सीवी देते हैं ना, सबका सीवी पढ़ना तो उतना संभव होता नहीं है, या फिर बहुत जगह पे मिस्टेक भी हो जाता है जो रिक्रूटर है, लेकिन यहाँ पर अगर मैसेज में आप वो चीज़ लिख देंगे तो जो रिक्रूटर है आपको बहुत अच्छा से फॉलोअप कर पाएगा, जिससे आपको इंटरव्यू में बुलाने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सीवी शॉर्टलिस्टेड होता है तो वो लोग ज़रूर आपको इंटरव्यू में बुलाएगा, कहां पर जाना है, किस तरह से आपको इंटरव्यू फेस करना है, सब कुछ डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा ईमेल पे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आप अप्लाई कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।